नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 17 अगस्त के सुबह 10 बजे से ज्यादा दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। ज्यादा दोस्तों दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय मंगलवार का दिन होगा, यानी महाबली हनुमान जी का दिन होगा और यश मंत्राल में इनके आशीर्वाद से ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। ग्रहों में कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग होंगे जिनके कारण बहुत ही धन योग के निर्माण होंगे, बहुत ही आपके रुके कार्यों में गति आने वाली है, बहुत सारे लाभ और बहुत सारी खुशखबरियां यश में आपको प्राप्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से घर के माहौल में खुशियाँ छाने वाली है। पारिवारिक जीवन में भी बहुत अच्छे सुधार होंगे। आपको बता दें कि यश मंत्राल में भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में भी यश में आपको बड़े धन लाभ होंगे, रुके हुए कार्यों में गति आएंगी और पिछले जो भी कार्यों में आपने समय व्यतीत किए हैं दोस्तों उनमें यश में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में ग्रहों की जो शुभ स्थिति है और महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका यश में बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यश में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश मंत्राल में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान लिखेगा, गुरु जी का और महाबली हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आपका कोई भी प्लानिंग करना या फिर प्लानिंग से कार्य करना तथा सकारात्मक सोच आपको नई दिशा प्रदान करेगा। दोस्तों आध्यात्मिक कार्यों के प्रति भी आपका यश में रुझान बढ़ेगा। दोस्तों युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर यश में गंभीर रहेंगे, दूसरों की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें, ये आपके लिए उचित होंगे। दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों आपकी लापरवाही की वजह से कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा। दोस्तों यश में किसी भी यात्रा को स्थगित रखें तथा कोई भी अनुचित काम करने से बचें। इसके उपरांत दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे अपने काम के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार में चल रहे झगड़ों से दूर रहने की भी कोशिश करें, प्रॉपर्टी से जुड़े वाद विवाद बढ़ सकते हैं। दोस्तों जब तक परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है तब तक आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए जिसमें होंगे, दोस्तों आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर आगे भी बढ़ेंगे और सफलता भी आप इनसे हासिल करेंगे। दोस्तों खर्चों पर नियंत्रण रखकर आर्थिक समस्याओं का निजात पाने में भी आप यह समय सक्षम रहेंगे। दोस्तों धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रति भी आपका श्रद्धा भाव आपके स्वभाव को विनम्र बनाकर रखेगा। साथ ही दोस्तों यश में लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी पर अधिक विश्वास ना करें। दोस्तों आपको कोई धोखा भी मिल सकता है। विद्यार्थियों में यश में पढ़ाई के प्रति एकाग्रता का भाव रहेगा, तो इसका भी ध्यान रखें और विद्यार्थी वर्ग जितने भी हैं पढ़ाई के प्रति यश में अपने जो है ध्यान को केंद्रित करें। सोशल मीडिया तथा फालतू की बातों में अपना समय को यश में नष्ट ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों दिन की शुरुआत में किसी भी बात के प्रति विचारों में क्लैरिटी ला पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे ही मन में चली रही दुविधाएं भी कम होगी। दोस्तों परिस्थिति के बारे में अधिक जानकारी आपको प्राप्त होने की वजह से योग निर्णय भी आप यशमय ले पाएंगे। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों किसी असंभव कार्य के अचानक ही बनने से मन में बहुत अधिक प्रसन्नता भी रहेगी। दोस्तों यश में परंतु अपने व्यक्तिगत मामलों का खुलासा बाहर ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी कार्य गुप्त रूप से करने से आपको जो है आशातीत सफलता प्राप्त होगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर सहयोग परिवार पर यशमय बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों यह समय घर की सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं पर खर्चे करते समय
दोस्तों अपने बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यश में किसी प्रकार के नुकसान होने की भी स्थिति बन रही है दोस्तों, जिसकी वजह से खर्चे की अधिकता रहेगी। दोस्तों कभी कभी मौज मस्ती स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है, तो दोस्तों इनसे भी सावधान रहें। साथ ही दोस्तों यश में लोन संबंधी काम का जो भी है जल्दी जल्दी हो पाएंगे। यदि दोस्तों आप घर खरीदने की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों योग प्रॉपर्टी आपकी नज़र में यश में आ सकता है या फिर मित्र द्वारा प्राप्त हो सकता है। दोस्तों घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बनाए रखने के लिए घर में प्रकाश और हवा आने दें। परिवार के किसी व्यक्ति संबंधी चिंता आपको जो है रात में तकलीफ भी दे सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों अपने राजनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करें। यश में महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलने की जो है संभावना बन रही है। दोस्तों विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या फिर प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल होगी। यश में आर्थिक स्थिति बेहतर रहेंगी। साथ ही दोस्तों पड़ोसियों से किसी प्रकार की झगड़ा या फिर कहासुनी हो सकती है, तो दोस्तों किसी भी समस्या को गुस्से या फिर आवेश के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि दोस्तों बाहरी व्यक्ति जो है आपको नुकसान इसमें पहुंचा सकता है, तो दोस्तों बाहरी व्यक्ति से मेल मिलाप करते समय सावधानी रखें। इसके बाद दोस्तों यश में अपने अंदर के नेतृत्व गुणों को दिखाने के लिए आपको जो है अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखना होगा। परिस्थिति फिलहाल आपके नियंत्रण में नहीं है, फिर भी दोस्तों आप उम्मीदें को ना खोएं। अपनी मेहनत और महत्वाकांक्षा द्वारा आप किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी भी यश में उठा पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों व्यावसायिक स्थल पर सहयोगियों तथा कर्मचारियों के सहयोग और फिर सलाह से रुकी हुई गतिविधियां दोबारा से शुरू करने में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों नए ऑर्डर मिलने की भी संभावना बन रही है। आर्थिक परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए अधिक मेहनत करने की भी आवश्यकता हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों बाहर के क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय बेहतरीन सफलता प्राप्त करेंगे। आसपास के व्यापारियों से चल रही प्रतिस्पर्धा में विजय आपको हासिल होंगे दोस्तों, इसलिए मेहनत करते रहें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों, व्यवसाय में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, एक के बाद एक परेशानी सामने आएंगी। दोस्तों यह समय व्यापार में जो विस्तार संबंधी योजनाएं बना रहे थे उसे स्थगित रखें। नौकरी में अधिकता अधिकारियों व फिर सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपको यश में प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, यश में व्यवसायिक कार्यों में अपने सहयोगियों के निर्णयों को भी प्राथमिकता दें। दोस्तों आपको अवश्य फायदा होगा, नए अनुबंध भी हासिल होंगे, परंतु दोस्तों यह समय जो है व्यापार में कोई भी रिस्क ना लें। नौकरी पेशा व्यक्ति जल्दी ही अपना मनचाहा स्थान इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा जो है घर की समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों किसी प्रकार की महान आने की आशंका बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक वातावरण इसमें खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है, अतः दोस्तों समय रहते उनको निपटाने की आप कोशिश करें, ये आपके प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, बेवजह तनाव और फिर चिड़चिड़ापन रहने से इसका असर आपके घर परिवार पर भी पड़ेगा। दोस्तों संतान के करियर संबंधी कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, जिनसे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, परिवार के किसी व्यक्ति के साथ धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होने का आपको मौका मिलेगा, तथा दोस्तों घर का वातावरण भी इसमें सुखद रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या रहेगी। दोस्तों समय समय पर आराम करते रहें, एनर्जी वर्धक पदार्थों का भी आप सेवन करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में तनाव अस्वाद तथा मौसमी बीमारियों से बचकर रहें। उचित खान पान के साथ साथ आयुर्वेदिक चीज़ों का भी आप सेवन करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में ज़्यादा सोच विचार करने व फिर तनाव लेने से सिर दर्द व फिर पेट खराब होने जैसी स्थिति बन सकती है, तो दोस्तों यश में अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और इनसे आपका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा।